नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप डबल फेस का चेंज ओवर किस तरह से बना सकते हैं। हाउ टू मेक चेंज ओवर यूज ऑफ किटकैट एंड टू वे स्विच। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें किस तरह से, पूरी जानकारी जानने के लिए। तो मैं किस तरह से इसको बनाता हूँ, तो सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैं इसमें एक दो तीन तीन किटकैट का उपयोग किया हूँ और एक टू वे स्विच को। टू वे स्विच 16 एम्पियर की है और किटकैट जो हैं तो ये 32 एम्पियर के हैं। और ये जो इसे इस तरह के ये उपयोग किया हूँ 32 एम्पियर 16 एम्पियर का, तो ये इसको आप अपने लोड के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। पूरा अच्छी तरह से बना लिया हूँ और बनाने के बाद दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको आप भी बना सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रू है, यहाँ पे मार्किंग करके मैं सभी किटकैट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया हूँ और ये स्विच को भी यहाँ पे मार्किंग करके कट करके यहाँ स्क्रू टाइट कर दिया हूँ अच्छी तरह से, देख सकते हैं ये पूरा। और इसके बाद अब मैं इसको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से इसकी वायरिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये ब्लू वाला वायर है, ये फेस के लिए मैं उपयोग करूँगा। इस तरह से देख सकते हैं ये दूसरा वायर भी लग गया है, ये देखिए। टू वे स्विच है तो ये फर्स्ट वाला जो वायर है, फर्स्ट वाला फेस, इसके मैं ऊपर वाले टर्मिनल में इसको कनेक्शन कर देता हूँ। इस तरह देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे वाले टर्मिनल में जो है, तो इसके नीचे वाले टर्मिनल में दूसरे वाले फेस को दे दें, इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें ताकि स्पार्क वगैरह ना हो और अच्छी तरह से वर्क करे। ये देख सकते हैं इस तरह मैंने दोनों वायर को अच्छी तरह से टाइट करके लगा दिया हूँ। अब देख सकते हैं मैं इसका जो इनपुट वायर है इसको यहाँ पे, तो इसमें मैं पहले सबसे पहले न्यूट्रल वाले में ब्लैक वायर लगा रहा हूँ। ये देखिए ये ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए रहेगा। और ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट फेस के लिए मैं रेड वायर का उपयोग कर रहा हूँ। जो दूसरा फेस है इसके लिए मैं ब्लू वायर का उपयोग कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लिया हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद इसमें लोड वाले वायर को लगा के फिर चेक करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। लोड के लिए मैं एक बल्ब होल्डर का उपयोग करूँगा चेक करने के लिए। देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले मैं इसको ग्रिल वाले पॉइंट में लगा देता हूँ इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह अंदर तरफ ये जो लोड वाला वायर है इसके मैं जो टू वे स्विच होती है तो उसके सेंटर वाले पॉइंट में लगा दूंगा। ये देखिए ये सेंटर वाले पॉइंट में लगा देना है। और ये फेस, फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकंड हो गया और ये लोड के लिए हो गया बीच वाले टर्मिनल में। तो इस तरह से हमारी वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं इसके ग्रिप में जो होता है किटकैट, देखिए इसमें वायर पहले से ही लगा लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो उसके लिए मैं ये इस तरह से बना लिया हूँ। तो इस तरह से आप भी लगा के फिर यहाँ पे
ऐसे लगा के पुश कर देंगे तो बैठ जाएगी आसानी से। ये देखिए, चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि मैं इसमें सप्लाई ऑन कर दिया हूँ। ये इस तरह से टेस्टर में देख सकते हैं ग्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं, इसमें ये इसमें भी देख सकते हैं ये हो रहा है, और ये न्यूट्रल का हो गया। तो अब मैं इसको किट कट को लगा देता हूँ। मैं जैसे ही इस न्यूट्रल वाले ग्रिप को किट कट को लगाऊंगा तो ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से ऑन हो गया है। ये ऊपर वाले फेस से अभी काम कर रहा है, ये देख सकते हैं इस एक नंबर से, और ये दो नंबर है। तो इसको मैं दूसरे नंबर से चालू करता हूँ। इस तरह से देख सकते हैं ये दूसरे नंबर से चालू हो गया, ये फर्स्ट से। तो इस तरह से मैं चेंज ओवर को बनाया हूँ। तो इस तरह से आप भी चेंजर बना सकते हैं डबल फेस का टू वे स्विच उपयोग करके। ये देखिए इस तरह से, अगर मैं एक ग्रिप को निकाल देता हूँ तो नीचे वाला इससे काम करना बंद कर देगा, ऊपर से काम करता रहेगा। इस तरह से देख सकते हैं।